प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर से एक बार सभी को प्यार भरा जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत दायित्व की आशीष दे, आमेन हालेलुया। प्रकाशित वाक्य के हमारे ध्यान में 11 अध्याय की कुछ और भाग हमारे पास बाकी हैं। इन भागों को भी ध्यान करते हुए आज हम चलो फिर से एक बार आगे बढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य के ध्यान में हम लोग कुछ दिनों से यात्रा कर रहे हैं, इसकी यात्रा यहां पर समाप्त नहीं हुई, कुछ और भाग यहां पर शेष हैं जिन्हें हम देखने के बाद ही 12वें अध्याय में जाएंगे। एक और बार सब लोग मेरे साथ प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय को खोले, अपने अपनी बाइबल अपनी भाषा में आप लोग खोल सकते हैं। हो सके तो जब मैं यहां पर पढ़ता हूं कल से सब लोग आप भी अपने अपने शब्दों में ऊंची आवाज में पढ़ सकते हैं या फिर ध्यान से इन बातों को सुन सकते हैं। और लग्गी के समान एक सरखंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें भजन करने वालों को नाप ले। इससे पहले योहन्ना स्पष्ट रूप से कहते हैं, पहला स्वर्गदूत आए थे, कोई प्राचीन आकर बात किए थे, दूसरा स्वर्गदूत आए थे, किसी और ने बात किया था। लेकिन यहां पर कहते हैं, और किसी ने कहा उठ परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें भजन करने वालों को नाप ले और मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगे। और मैं अपने दो गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। ये वही जैतून के दो पेड़ हैं और दो दीवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं, और यदि कोई इनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इस रीति से मार डाला जाएगा। हमने बड़ी स्पष्ट रूप से इन सबको गौर किया है कैसे इनके बैरी इनके पास आते हैं और इनके कारण जो आग इनके मुंह से निकलती है उससे वो भस्म हो जाते हैं। काफी सारे विपत्तियों को परेशानियों को यरूशलेम को झेलना पड़ा और धरती के सारे जाति के लोगों ने इनकी भविष्यवाणी के कारण काफी सारे तकलीफों को उठाया था। लेकिन दो गवाह जिनके मुंह से आग निकलती हैं उनके बैरी सब भस्म हो जाते हैं, अगर कोई इनके पास आना चाहेंगे वे इसी रीति से भस्म हो जाएंगे। इन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करें और इनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेहना बरसे, और इन्हें सब पानी पर अधिकार है और उसे लहू बनाए, और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति को लेकर आए। परमेश्वर ने इन्हें पूर्ण अधिकार दे दिया है जब कभी भी चाहे। मैं संक्षिप्त रूप में आगे बढ़ रहा हूं क्योंकि मैंने बड़े विस्तार से 11 अध्याय के करीब 4 दिन हम लोगों ने यात्रा की है। आज हम मंदिर के पास जा रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए याद कराने के लिए स्मरण दिलाने के लिए इन बातों को मैं दोहराते हुए आगे बढ़ रहा हूं। इन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करें कि उनके भविष्यवाणी के दिनों में मेहना बरसे, और इन्हें सब प्राणी सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाए, और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति को लेकर आए। जब अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा, और उनकी लोथे उस बड़े नगर के चौक में पड़ी रहेंगी जो आत्मिक रीति से सोदम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। और सब लोग और कुलों और भाषाओं और जातियों में से लोग उनकी लोथे 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और इनकी लोथे कवर में रखने ना देंगे, और पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे, क्योंकि इन दोनों भविष्यद्वक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था, और 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन की आत्मा उनमें बैठ गई और वे अपने पांव के बल खड़े हो गए और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। और ने स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया कि यहां ऊपर आओ, यह सुनने बादल पर सवार होकर अपने बैरियों के देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। फिर उसी घड़ी एक बड़ा भुईडोल हुआ और नगर का 10वां अंश गिर गया, और उस भुईडोल से 7,000 मनुष्य मर गए और शेष डर गए और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की। दूसरी विपत्ति बीत चुकी, देखो तीसरी विपत्ति शीघ्र आने वाली है। और जब 7वें दूत ने तुरही फूंकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया है,
और वह युगानुग राज करेगा, और 2400 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासनों पर बैठे थे मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेंगे और ये कहने लगे कि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ के काम लाकर राज्य किया है और अन्य जातियों ने क्रोध किया और तेरा प्रकोप आ पड़ा और वह समय आ पहुंचा है कि मरे हों का न्याय किया जाएगा और तेरा दास भविष्य वक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़े जो तेरे नाम से डरते हैं बदला लिया जाएगा और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नाश किए जाएं और परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वह खोला गया और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया और बिजलियां और गर्जन और शब्द और बुइडुल हुए और बड़े बड़े ओले पड़े। 11वें अध्याय की हमने कुछ सारांश को इस प्रकार से देखा है। जिस तरह से हमें कल बताया गया था कि हम मंदिर की ओर ध्यान देने वाले हैं, हमने कल का ध्यान इस प्रकार से देखा कि किस प्रकार राज्य हमारे हाथ से परमेश्वर के भक्तगणों के हाथ से शैतान के हाथ में चला गया था, आदम के यहाँ से, और कैसे उसे वापस करने के लिए यीशु मसीह को इतने सारे हजारों वर्षों के बाद प्रयास करना पड़ा। परमेश्वर के अधिकार जो परमेश्वर ने मनुष्य को दिया था, मनुष्य ने उस अधिकार को जो शैतान के हाथ में दे दिया था। ये मानो इस तरह से हुआ है कि हमने एक घर आपके हाथ में तोहफा के रूप में दे दिया और आपने उसके घर को किसी और के बहकाव में आकर, उनके बातों में गिरकर, उनके धोखे में पड़कर आपने उस घर को उसके अधीन कर दिया है। लेकिन उस घर को आप पाना चाहते हैं, उस घर को आप ही चाहते हैं, उसको वापस प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उस घर को किसी और ने ले लिया है और उसके पास से लेना है, फिर इसके लिए कीमत चुकाना पड़ेगा। घर हमारा था, हमने आपके हाथ में दिया, आपने किसी और के हाथ में दे दिया है और जिसके हाथ में अभी है उसका मालिक है, उसका ऊपर उसी का अधिकार है, उसके हाथों से ले नहीं सकते, छीन नहीं सकते, जब तक कि वो कीमत जो वो कहेगा उस कीमत को ना चुकाए। इसी तरह से संसार जिसे परमेश्वर ने मनुष्य के हाथ में दिया था, मनुष्य ने शैतान के हाथ में दे दिया था, शैतान के हाथ से इसे लेने के लिए एक कीमत को चुकाना पड़ा और कीमत उसने मांगा था यीशु मसीह की शरीर, यीशु मसीह का प्राण। यीशु मसीह के प्राण लेने के बाद ही वो कीमत चुकाया गया है और वापस वह घर दे दिया गया है, लेकिन घर अभी तक हमारे हाथ में नहीं आया है। कीमत चुकाया गया है लेकिन अभी तक हमारे हाथ में पहुंचा नहीं है। इसी को हमने देखा है प्रकाशित वाक्य के लिखने के लगभग 2000 के साल अभी तक बीत चुके हैं और 2000 साल बीतने के बाद भी अभी भी यह भविष्य में होने वाली घटना है जो 11वें अध्याय की हमने अंतिम शब्दों को देखा है कि परमेश्वर सारा राज्य हमारे प्रभु यीशु मसीह का हो चुका है। अभी तक वो हुआ नहीं है, इसका होना बाकी है, यह भविष्यवाणी है, भविष्य में होना है। हालांकि यीशु मसीह ने पाप के ऊपर जय को प्राप्त किया, मृत्यु के ऊपर जय को प्राप्त किया, सारा अधिकार स्वर्ग में उन्हें दिया गया और धरती के ऊपर उन्हें दिया गया है, लेकिन राज्य अभी तक उनका हाथ में नहीं गया है। इसी बात को हमने देखा है 11वें अध्याय का 16 वचन देखते हैं, 15 वचन। सातवें दूत ने तुरही फूंकी तो स्वर्ग में इसके बड़े शब्द होने लगे कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का हो गया है। जगत का राज्य हमारे प्रभु का और मसीह का हो गया है। इसी राज्य को, इसी जगत को देने के विषय में यीशु मसीह के 40 दिन के उपवास के बाद में शैतान यीशु से कहता है, तो मेरे सामने झुककर दंडवत करेगा, मैं ये सारे राज्य तुझे दे दूंगा। इतने हजारों वर्ष यीशु मसीह का इंतजार करना पड़ा, इतनी प्रक्रिया से प्रभु को गुजरना पड़ा और कीमत चुकाना पड़ा है। जिस राज्य को, जिस संसार को परमेश्वर ने मनुष्य के हाथ में दिया था, मनुष्य ने जिसे शैतान के हाथों में दिया था, शैतान के हाथों से वापस उसे प्राप्त करने के लिए मनुष्य को फिर से एक बार कीमत चुकाना पड़ा। इसलिए यीशु मसीह मनुष्य के पुत्र के रूप में आते हैं, कीमत को चुकाते हैं। उन्होंने कीमत चुकाया, उस कीमत के बदले में ही ये राज्य पूरा हमारा हो रहा है। अभी तक हमारे हाथ में आया नहीं है। आप जगत में देखेंगे, अगर राज्य प्रभु का हो चुका है तो यहाँ पर इतने धोखे नहीं होते, इतनी छल कपट नहीं होती, इतनी हिंसा नहीं होती, हत्या नहीं होती है, मारपीट नहीं होती है, यहाँ पर लाशें बिखरे नहीं पड़ते हैं, एक दूसरे के विरोध में नहीं जाते, अभिचार नहीं होता है, अत्याचार नहीं होता है, एक दूसरे से मारपीट नहीं करते हैं, इतने भयंकर। इसका अर्थ यह है
कि अभी भी परमेश्वर का राज्य राज्य परमेश्वर के हाथ में गया नहीं है, प्रभु के हाथ में, उनके संतान के हाथ में। जिस दिन राज्य पूरी तरह से परमेश्वर के हाथ में जाएगा और उनके संतानों के वश में प्रभु इसे करेंगे, उस दिन प्रभु का राज्य यहाँ पर होगा और प्रभु यीशु मसीह बादलों की प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में उस सिंहासन के ऊपर बैठेंगे। तो हमने राज्य के विषय में देखा है, राज अभी तक उनके अधीन में नहीं गया है, अभी उसके जाने का समय बाकी है। तो हम बाकी शेष बातों को देखते हैं। तो उसके बाद में हम परमेश्वर का एक मंदिर को स्वर्ग में खुलता हुआ देखते हैं और परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वह खोला गया और उसके मंदिर में उसकी वाचक का संदूक दिखाई दिया और बिजलियां और शब्द और गर्जन और बुइडोल हुए और बड़े बड़े ओले पड़े। ये बिजलियां, ये शब्द, ओले, ये शब्द हम लोग देखते ही हैं, लेकिन इसके पश्चात हम लोग एक बात को देखते हैं। इनके सबके बावजूद एक विषय को हम लोग देखेंगे, परमेश्वर का जो मंदिर है स्वर्ग में वो खोला गया है और मंदिर में परमेश्वर का वाचक का संदूक दिखाई दिया है। मैं संक्षिप्त रूप में आपको आराधना के स्थल किस तरह से बदले है उसे मैं आपको दिखाना चाहता हूं। कैसे कैसे परिवर्तन आराधना के जगहों पर आए हैं, कैसे कैसे परिवर्तन हम आरंभ में देखते हैं। आदम और हवा ने परमेश्वर की आराधना किया कहीं पर लिखा नहीं है। परमेश्वर उनके साथ में आकर मिलते थे, एक रिश्ता उनके साथ में था, मिलते थे, संगति करते थे, लेकिन लिखा नहीं गया है कि उन्होंने कहीं पर आराधना किया है। आराधना तब करना पड़ा मनुष्य जब परमेश्वर से दूर हो गया, पाप उन दोनों के बीच में प्रवेश कर चुका है, पाप ने दोनों को अलग कर दिया, मनुष्य को परमेश्वर को अलग कर दिया। उसके बाद ही आदम जब अदेन की बगीचे से बाहर जाते हैं वहां पर उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया। प्रार्थना भी उन्होंने कब शुरू किया है, उनका एक बेटा जो हाबिल की जगह पर, एक और बेटा जो पैदा हो गया, शेत पैदा हुआ, तब से आदम और हवा प्रार्थना करना शुरू किए हैं। लेकिन कैन और हाबिल के साथ जगह पर हम देखते हैं वे एक वेदी को बनाते हैं, परमेश्वर को अर्पण लेकर आते हैं। तो जहां कहीं भी वे रहे हैं वहां पर वेदी बना दिए हैं। अब्राहम को देखते हैं उसके बाद में वेदी बनाते हैं, नूह को देखते हैं वेदी बनाते हैं, याकूब को देखते हैं वेदी बनाते हैं। ये सब लोग जहां कहीं भी है, चाहे वो जंगल में हो, चाहे वो किसी रेगिस्तान में क्यों ना हो, किसी मैदान में क्यों ना हो, किसी घर के बाहर क्यों ना, भीतर क्यों ना हो, वे सब लोग हमेशा वेदी बनाकर उसके ऊपर एक अर्पण चढ़ाते। इसका अर्थ यह कि खास जगह वो सिद्ध करते थे। परमेश्वर ने इनको बताया नहीं है कि इस तरह से करना है, लेकिन वे अपने आप से करने लगे और परमेश्वर ने उसे स्वीकार किया है। वेदी को बनाने के विषय परमेश्वर ने इनसे बताया नहीं था। वेदी को हाबिल और कैन दोनों स्वयं बनाते हैं और इसके बाद नो को देखते हैं, नो के बाद हम अब्राहम को देखते हैं, अब्राहम के बाद हम लोग याकूब को देखते हैं, जो वो स्वप्न देखता है कि स्वर्ग खुला गया है, वहां से एक सीढ़ी नीचे उतर आई है, उसके ऊपर से स्वर्गदूत नीचे उतरते हैं और ऊपर चढ़ते हैं। उसके बाद जैसे उसकी नींद खुल जाती है, स्वप्न से बाहर आता है, जिस खंभे को उसने, जिस पत्थर को उसने अपनी तकिया बनाकर सोया था उसे खड़ा किया, उसे वेदी के रूप में बनाया और वहां पर कुछ तेल डाला, उसने परमेश्वर का अर्पण छिड़ा दिया और उसे एक खास स्थान बना दिया था। एक खास स्थान, एक जिस तरह से एक मेज हमारा होता है, एक अतिथि को हम आह्वान करते हैं उनके भोजन के लिए, एक मेज के पास हम उनको सारा सत्कार करते हैं, उसी तरह से परमेश्वर की सत्कार करने के लिए उनके सामने जो भेंट चढ़ाया जाता है, जो अर्पण चढ़ाया जाता है, उन सबको लाने के लिए एक विशेष स्थान बनाया जाता है, उस स्थान का नाम है वेदी। इसके बाद हम और नबियों के पास जाते हैं जहां पर एलिया नबी को भी देखते हैं वेदी बनाते हैं। पुराने नियम सारा जगह पर हम लोग देखते, सभी लोग वेदी बनाकर वहां पर आराधना किया करते थे, बलि चढ़ाया करते थे या फिर जो भी अर्पण हो, जो भी अर्पण हो वहां पर चढ़ाना, वो सब उनके पास लेकर आया करते थे। इसके बाद ही हम लोग देखते हैं मिस्र देश से, मिस्र की गुलामी में से इसराइली लोग यरूशलेम कनान की ओर जो प्रवेश करते हैं, उस समय परमेश्वर ने मूसा को एक वाचक का संदूक दिया था। मूसा से कहा था किस प्रकार की मंदिर को बनाना है, किस प्रकार की तंबू को बनाना है, परमेश्वर का शरण स्थान किस प्रकार से बनाना है, परमेश्वर किस तरह से आराधना किया जाएगा, ये सारे बातों को हम लोग मूसा और मूसा हारून के बीच में जो बातें होती हैं, ये दोनों मिलकर याजक का धर्म निभाते हुए सारे लेवियों को जो सिखाते हैं, इन सब बातों को हम लोग पुराने नियम में देखते हैं, निर्गमन की किताब में हम लोग देख सकते हैं कैसे ये मंदिर बनाया गया था, तंबू में बनाया गया था, कैसे संदूक था और जहां कहीं भी वे जाते थे संदूक लेकर जाते थे। उनकी यात्रा में वे चल नहीं रहे थे, लगभग 38 वर्ष से अधिक वे लोग सीनाई पर्वत के पास से रुके थे, उसके बाद ही वे चल पड़े, कभी चल पड़े, कभी उस दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए चल पड़े थे, कुछ सप्ताहों के लिए चल पड़े थे। तो वैसे 40 सालों की यात्रा चल रही थी, लेकिन कनान पहुंचने से पहले इनको रुकना पड़ा था और ये सीनाई पर्वत के ऊपर जो परमेश्वर इनको बुलाते हैं
इनको वहां पर 10 आज्ञाएं देते हैं, उसके बाद में सारी व्यवस्था को देते हैं मूसा को। उन व्यवस्था के अनुसार ही इसराइली लोग पुराने नियम के अनुसार चला करते हैं। इन व्यवस्थाओं को पूरा होने के बाद, व्यवस्था तो दिया गया था, व्यवस्था के अनुसार चलना, कौन से त्यौहार कौन से पर्व को मनाना है और कैसे खाना पीना रखना है और किस प्रकार के रहन सहन से चलना है, कैसे जीवन की शैली को उन्हें अपनाना है, क्या करना क्या नहीं करना, ये सब बातें परमेश्वर ने मूसा के जरिए एक लिखित रूप में उन सब का व्यवस्था दिया गया था। और देते समय उन सबको इस तंबू में वे सब लोग तब आराधना किया करते थे। जब वहां से वे निकल पड़े, जब सिनाई पर्वत की यहां से निकल पड़े, तो वहां से वे सीधे फिर पहुंचे हैं कनान देश में। और कनान देश में जब पहुंचते हैं, कनान में वे पहुंचने के बाद न्याय का समय चलता है। मूसा कनान के अंदर जाते नहीं है, यहोशू उनको लेकर जाते हैं। यहोशू उनको लेकर जाने के बाद यहोशू सारा समय व्यस्त रहते थे कनान का पूरा राज्य को उन्हें बंटवारा करने में, 12 कुलों में बांटने देने में उन्हें पूरा समय व्यस्त रहना पड़ा और कुछ छोटे छोटे युद्ध भी उनको करना पड़ा, आगे चलना पड़ा था। लेकिन यहोशू के समय के बाद में देखते हैं, फिर न्याय का समय चलता है। न्याय के समय के बाद देखते हैं हम लोग एली का समय जब आता है, याजक एली के समय, वहां पर मंदिर बना होता है। लेकिन ये सब मंदिर तात्कालिक मंदिर हुआ करते थे, शिलो में जब मंदिर बनाई गई थी। शमल के अधीन में ही राजा दाऊद का अभिषेक हो जाता है और अभिषेक होने के बाद दाऊद चाहता है कि मैं तंबू में का जो परमेश्वर की मंदिर है उसे महल में लेकर चलूं। जिस तरह से मैंने अपना राजमहल बना लिया है, वैसे मैं भी चाहता हूं कि परमेश्वर का एक मंदिर हो। लेकिन परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं थे, उनके हाथों से इस काम को करवाना नहीं चाहते थे, हम सब इस बात को जानते हैं। और उसके बाद परमेश्वर ने सुलेमान के हाथों से मंदिर को स्वीकार किया था। गौर कीजिए इन बातों को, परमेश्वर ने वेदी को स्वीकार किया था, परमेश्वर ने तंबू को बताकर उनसे बनवाया था, उसके बाद में उसी तंबू को ही एक शाश्वत महल की तरह वो जो बनाना चाहते, पक्का महल की तरह परमेश्वर का मंदिर बनाना चाहते, तो उसी माप से, उसी पूरे प्रमाण से सुलेमान ने जब बनाया था, बहुत सुनहरे सा मंदिर बनाया, तो परमेश्वर ने उसे स्वीकार भी किया था। हालांकि परमेश्वर ने कहा कि मैं मनुष्य के हाथों से बनाए मंदिर में निवास नहीं करता, परंतु अपनी हाथों की रक्षा में निवास करता हूं, फिर भी परमेश्वर ने उसे स्वीकार किया था। हमने देखा कि जिस मंदिर को राजा सुलेमान ने बनाया था, उसे राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के ऊपर चढ़ाई किया था, मंदिर को पूरा तोड़ दिया था, जला दिया था, सारा यरूशलेम को तोड़ दिया था, जला दिया था, शहरपनाहों को तोड़ दिया था, जला दिया था। उसके बाद में मंदिर बनी नहीं थी। यीशु के आने से पहले, कुछ समय पहले, राजा हेरोद ने मंदिर को बनवाया था। उस मंदिर में परमेश्वर कभी प्रवेश नहीं किए हैं। अंतिम बार परमेश्वर का मंदिर में प्रवेश किया तो राजा सुलेमान के हाथों से बनाए गए मंदिर में प्रवेश किए थे, उसके बाद कभी प्रवेश नहीं किए हैं। राजा हेरोद के हाथों से बनाए गए मंदिर को राजा सुलेमान के हाथों से बना मंदिर से बहुत ही श्रेष्ठ था, वह बहुत ही उत्तम था। हर विषय में देखेंगे तो सुलेमान के मंदिर से बेहतरीन था राजा हेरोदस की मंदिर। लेकिन परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं थे, परमेश्वर उस मंदिर में कभी प्रवेश नहीं किए थे। उसी मंदिर को दिखाते हैं यीशु मसीह के चेले, कहते हैं प्रभु देखो ये मंदिर जो इतना सुनहरा है, क्या आपने इसको देखा है? तब यीशु मसीह ने कहा था, एक भविष्यवाणी थी, वो बहुत जल्द आने वाला वो समय जब तुम इस मंदिर के पत्थर के ऊपर पत्थर को नहीं देखोगे। इसमें दो भविष्यवाणी है, एक भविष्यवाणी यीशु मसीह अपने देह के बारे में कहता, अपने प्राण के बारे में, और कहा तो उन्होंने मैं 3 दिन में इस मंदिर को गिरा कर मैं बना सकता हूं। ये उनकी अपनी भविष्यवाणी थी अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के विषय में। दूसरी भविष्यवाणी थी उनके जाने के 40 वर्षों के बाद में, 70 AD में जो संभव होती हैं, सन 70 में संभव होती हैं, रोमी आकर फिर से एक बार जब इनके ऊपर चढ़ाई करते हैं। रोमियो की साम्राज्य चल रही थी वैसे तो, लेकिन रोमियो ने इस मंदिर को गिरा दिया था। उस मंदिर को गिराए हुए अभी 2000 वर्ष हो चुके हैं, अभी तक वो मंदिर बना हुआ नहीं है। लेकिन यीशु मसीह जब यहूदिया से गलील की ओर जाना चाहते थे, वे सामरिया से होकर गुजर रहे थे। सामरिया से जब गुजर रहे थे, सुखार नाम की एक जगह पर पहुंचते हैं, वहां पर एक कुएं के पास बैठ जाते हैं। उस कुएं को याकूब ने अपना बेटा यूसुफ को दिया था। यूसुफ की विरासत है, यूसुफ की संपत्ति है वो, लेकिन दोनों देशों के सरहदों के बीच में है, यहूदिया और सामरिया के बीच में। वहां पर यीशु मसीह की मुलाकात एक स्त्री के साथ होती है। स्त्री के साथ में पानी के विषय में बातें चलती हैं, जीवन के जल के बारे में कहते हैं। यीशु मसीह ने उनको परिचय दिया कि वो जिस मसीहा का तुम इंतजार कर रहे हो, वो मसीहा कोई और नहीं है, मैं ही हूं, मैं आ चुका हूं। उसने विश्वास किया और जाकर अपने सारे गांव वालों को बता दिया, जिस मसीहा की हम लोग बात छो रहे, वे इंतजार कर रहे हैं, वे आ चुका है। लेकिन यीशु मसीह ने स्त्री से एक बार कहा था, उन्होंने इस गांव में जाने से पहले यीशु मसीह ने स्त्री से कहा था, देखो समय आने वाला है, ना तुम्हारे इस पहाड़ के ऊपर
कोई परमेश्वर की आराधना करेंगे, ना ही यरूशलेम के मंदिर में कोई आराधना करेंगे, क्योंकि अब से जो आराधना करेंगे वे सब आत्मा में और सच्चाई में आराधना करेंगे और परमेश्वर सच्चे आराधक से प्रसन्न होते हैं। तो यीशु मसीह ने जब कहा था ये बात, ये 40 साल के बाद में होने वाली भविष्यवाणी थी। ये भविष्यवाणी ये थी कि मंदिर तोड़ दिया जाएगा, मंदिर टूट भी गया है, और यीशु ने कहा कि कोई अभी कोई जगह पर आराधना नहीं करेंगे, लेकिन अपने आत्मा में करेंगे, अपनी सच्चाई में आराधना किया करेंगे। मंदिर टूट गया है, परमेश्वर को अफसोस नहीं हुआ है। मंदिर टूट गया क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं कहा कि मंदिर टूटना है। अगर मंदिर तोड़ा नहीं जाता, आज यीशु मसीह आपके और मेरे पास नहीं पहुंचते। अगर मंदिर तोड़ा नहीं जाता तो आज यीशु मसीह यरूशलेम में सीमित हो जाते, क्योंकि यहूदियों ने यीशु मसीह को यरूशलेम से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी, न परमेश्वर को। पुराने नियम के समय में देखते हैं यहूदियों ने कभी भी परमेश्वर को किसी और के साथ में बांटा नहीं है, वे अपने पास ही रखे हैं, वे परमेश्वर को किसी से परिचित नहीं किए। अगर परिचित किए हैं तो भी उन्हें परदेशियों की तरह देखा है, उन्हें छोटी नजर से देखा है, उनको आंगन अलग से दिया गया। जिस बात को हमने प्रकाशित वाक्य जिन विषयों को हमने प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय में पढ़कर देखा, बाहर का जो आंगन है वह अन्य जातियों को दिया गया है, उसको तो नापना मत। यहूदी आराधना किया करते थे सच्चे परमेश्वर की, जीवित परमेश्वर की, लेकिन फिर भी यहूदी लोग कभी परमेश्वर को बांटे नहीं है। परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर का जितना अधिकार इनके ऊपर, इनको जितना परमेश्वर का अधिकार है, उतना अधिकार कभी उन्होंने परदेशियों के साथ में, अन्य जातियों के साथ में बिल्कुल नहीं बांटा। यहूदी लोग अपने आप को खास लोग मानते, इसमें कोई संदेह नहीं है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी संतान को मैं खास बनाऊंगा, मैं चुनकर मैं उसे चलाऊंगा। ये यहूदी वही अब्राहम के संतान है, उस अब्राहम के बच्चों में से ईसा का बेटा याकूब का, याकूब के 12 बेटों में से एक बेटा यहूदा का गोत्र है। ये यहूदी लोग, ये सब लोग परमेश्वर को अपने करीब रखे हैं। मंदिर तोड़ा गया था, परमेश्वर इससे दुखी नहीं है। मंदिर टूट गया, परमेश्वर इससे नाराज नहीं है। इनको, परमेश्वर को इससे कोई अफसोस नहीं हुआ। कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर जानते हैं मंदिर जब तोड़ दिया गया, आराधना का जगह बदल रहा है, और यीशु मसीह की भविष्यवाणी है, इसको होना संभव था। एक जगह पर यरूशलेम में मंदिर अगर रखते, आज विश्व भर के लोगों को यरूशलेम में ही जाना पड़ता था। आज विश्व भर के लोगों को यरूशलेम में जाने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा होता तो एक छोटा सा जगह यरूशलेम, एक मंदिर, वहां पर सैकड़ों लोग कैसे पर जाकर आराधना करेंगे, और हर दिन उनको जाने की मौका नहीं है। परमेश्वर ने मंदिर तोड़ने के बाद में आपको और मुझे मौका ये दिया है, साल में एक बार नहीं, साल में दो बार नहीं, साल में तीन बार नहीं, 365 दिन, 2400 घंटे, जब चाहे तब तुम, कितनी भी देर चाहो, कभी भी चाहो, आधी रात को हो, दिन में हो, दोपहर को, शाम को हो, तो मेरे उपासना कर सकते हो, तो मेरे शरण में आ सकते हो। हम सबको परमेश्वर ने अपने पास आने का भाग्य दिया है। अगर ये मंदिर नहीं तोड़ा जाता, आत्मा की सच्चाई की आराधना की आरंभ नहीं होती है। इसलिए परमेश्वर को मंदिर तोड़ने पर कोई आपत्ति नहीं थी, मंदिर के टूटने पर कोई अफसोस भी नहीं थी। अब इसी मंदिर में हम सब लोग आराधना कर रहे हैं। आज हम सब लोग देखते हैं हमारी जो आराधना का स्थल है मंदिरों में से, हम सब लोग अपने अपने घरों पर बैठकर आराधना करते हैं। इससे परमेश्वर को कोई अफसोस नहीं है, इससे परमेश्वर को कोई अफसोस नहीं है। परमेश्वर जानते हैं कि उनके भक्त लोग कब आराधना करना, कहां पर आराधना करना, कैसे आराधना करना है। हम सृष्टि के आरंभ से अभी तक देखते आ रहे हैं भिन्न भिन्न जगहों पर आराधना का स्थल बदलते जा रहा है। आज हम लोग अपने अपने घरों पर बैठकर इस प्रकार से ऑनलाइन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से आराधना कर रहे हैं। हम सब लोग कामना कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं कि बहुत जल्दी हमारे सब आराधनालय खुल जाएंगे, सब सारी चीजें सही फिर से अपने आप सही जगह पर आ जाएंगे, सारे माहौल सुधर जाएंगे, और हम सब लोग मिलकर आराधना करने के लिए अपने अपने मंदिरों में जाएंगे। लेकिन इसके बाद में आराधना का जगह फिर बदलने वाला है। क्या आराधना का जगह बदलने वाला है? जिस प्रकार से पुराना नियम और नया नियम दो भाग हो चुका है, उसी प्रकार से यीशु मसीह के बादलों के आगमन में नया नियम की जो कलीसिया है, जो आज आप और मैं जो आराधना कर रहे हैं, हम सब लोग यहां से बादलों के ऊपर चले जाएंगे। हम सब यहां से जब बादलों के ऊपर चले जाएंगे, धरती के ऊपर फिर से एक बार, एक सप्ताह के लिए अर्थात 7 वर्षों के लिए, फिर से पुराने नियम की आराधना शुरू हो जाएगी। जो मंदिर तोड़ा गया था, जिस मंदिर को बनाने की आशा में, जिस मंदिर को बनाने की जो भविष्यवाणी भी बाकी है कि मंदिर बनना बाकी है, उस भविष्यवाणी का पूरा होने के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं। फिर से यहूदी लोग उस मंदिर को बनाएंगे। इसी बात को हमने देखा, 42 महीनों तक यरूशलेम के नगर को रौंदने के लिए अन्य जातियों को अधिकार दिया जाएगा। ये तब संभव होगा जब कली से यहां से बादलों के ऊपर उठाई जाएगी। जब कली से यहां से बादलों के ऊपर उठाई जाएगी, वहां से हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। हमारी आराधना का स्थल यहां से फिर से बदलने वाला है, और यहां पर धरती पर
पुराने नियम की आराधना चलने वाली है। इसी आराधना के विषय में हम लोग देखते हैं, स्वर्ग में परमेश्वर का मंदिर खोला गया है, स्वर्ग में परमेश्वर का मंदिर खोला गया है, 19 वचन को देखेंगे। और परमेश्वर को जो मंदिर स्वर्ग में है वो खोला गया, और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया, और बिजलियां और शब्द और गर्जन और भीड़ोल हुए और बड़े बड़े ओले पड़े। परमेश्वर का मंदिर जो स्वर्ग में है वो खोला गया, अर्थात जो कलीसिया यहां से वहां पर जाती है परमेश्वर के वाचा के संदूक को, अर्थात वाचा का संदूक का मतलब परमेश्वर का आसन, परमेश्वर का आसन खुला गया है। अभी तक हमने देखा था यूहन्ना ने जब चौथे अध्याय में स्वर्ग का जो दर्शन दिखा रहे थे, पांचवें अध्याय में भी जब जाते हैं यूहन्ना ने जब परमेश्वर को दिखाया, सिंहासन को ही दिखाया, चार प्राणियों के बीच में सिंहासन को दिखाया, और सिंहासन के बीच में से बिजलियां निकलने लगी थी, गर्जन हो रहे थे, वहां से शब्द निकल रहे थे, लेकिन वहां पर परमेश्वर को किसी रूप में यूहन्ना ने दिखाया नहीं है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर को अभी तक उन्होंने देखा नहीं है, और परमेश्वर अभी तक उनके सामने प्रकट नहीं हुए हैं। और वहां हमने देखा सिंहासन पर जो बैठा हुआ उसको रूप उन्होंने दिखाया नहीं, परंतु उनके हाथ को दिखाया है, उनके दाहिने हाथ में से उस पुस्तक को लेते हैं, और यीशु मसीह उसी पुस्तक को लेकर उसकी मोहरों को खोलते हैं, और एक एक मोहरे खोलने के बाद उसके बाद में उसे पढ़ते हैं, और परमेश्वर का हाथ दिखाया गया वहां पर, परमेश्वर को बताया गया, लेकिन परमेश्वर का स्वरूप दिखाया नहीं गया। ये परमेश्वर का आसन है। क्यों नहीं दिखाया गया? क्योंकि स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है चार प्राणी जिनके छह छह पंख थे, दो पंखों से उन्होंने अपने आप को ढका था, दो पंखों से उन्होंने एक दूसरे को पकड़ा था, और दो पंखों से उन्होंने परमेश्वर के सिंहासन को न केवल ऊपर उठाया परंतु उसे ढके भी रखा है। तो परमेश्वर को हम नहीं देख सकते हैं, वहां पर बैठे हुए लोग कोई नहीं देख सकते हैं, जो 2400 प्राचीन वहां पर बैठे हुए भी नहीं देख रहे हैं, जो सैकड़ों स्वर्गदूत वो भी नहीं देख रहे हैं। कौन देख रहे परमेश्वर को? ये चार प्राणियां देख रहे हैं। ये चार प्राणियां देखने के बाद कहते हैं परमेश्वर तू पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। तो तुरंत ये सब लोग अपने अपने सिंहासनों से गिरते हैं, मुंह के बल गिर पड़ते हैं, अपने मुकुट को निकालकर परमेश्वर के पैरों के पास रखते हैं और कहते हैं प्रभु तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है। अभी तक परमेश्वर का वाचा का संदूक अर्थात परमेश्वर जिस आसन पर बैठते हैं वो आसन अभी तक खोला नहीं गया है, आगे खोला जाएगा। इसी बात को हम लोग देखते हैं, परमेश्वर का मंदिर जो स्वर्ग में है वो खोला जाएगा। दो आराधना फिर से चल रही है, दो आराधना। क्या आराधना? नए नियम की कलीसिया यहां से स्वर्ग की ओर चली जाती है, नए नियम की कलीसिया जब जाती है वहां पर फिर से आराधना करती है, लेकिन पुराने नियम की जो कलीसिया यहाँ पर जो मंदिर है यहूदी लोगों का, वे सब लोग इसी यरूशलेम में होकर यहाँ पर बलि चढ़ाते हुए आराधना करते हैं। आराधना करते समय 3.5 साल तक ये लोग आराधना कर पाते हैं, बलि चढ़ा पाते हैं, सब ठीक चलता, लेकिन 3.5 साल के बाद में जो सिंहासन पर बैठा था वो मनुष्य अपना पशु का रूप दिखा देता है। इस पशु के बारे में हम लोग 13वें अध्याय में जाने के बाद ध्यान करेंगे, इनके बारे में बहुत विस्तार से हम लोग को ध्यान करना जरूरी, इसलिए हम लोग 13 अध्याय में जाकर ध्यान करेंगे। तो वहां जो 3.5 साल बीत जाती है, शांति का समय खत्म होकर महाक्लेश का समय जब आरंभ हो जाता है, उस समय आराधना को रोक दिया जाता है। क्यों? क्योंकि घृणित वस्तु मंदिर में प्रवेश करती है। यहूदी लोग जिससे घृणा करते हैं और जो अपवित्र चीज है वो अपवित्र मंदिर में प्रवेश कर जाती है। परमेश्वर के सामने जब लोग आराधना करने के लिए जाते हैं, भक्ति के साथ, भय के साथ आराधना करते हैं। एक दो शब्दों को मैं आपको पढ़कर सुनाकर उसके बाद में आज के वचन को यहाँ पर समाप्त करूंगा। सभी लोग मेरे साथ में निर्गमन का पुस्तक उसके 19वें अध्याय को खोले, निर्गमन का पुस्तक उसका 19वें अध्याय को खोले, Exodus chapter 19, उसका पहला वचन से मैं पढ़ता हूँ, जरा कृपया ध्यान दीजिएगा। इसराइलियों को मिस्र देश से निकले हुए जिस दिन 3 महीने बीत चुके उसी दिन वे सीनाई के जंगल में आए, और जब वे रफीदीम से कूच करके सीनाई के जंगल में आए तब उन्होंने जंगल में ढेरे किए, और वहीं पर्वत के आगे इसराइलियों ने छावनी डाली। तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया, और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से कह और इसराइलियों को मेरा यह वचन सुना कि तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों के साथ क्या क्या किया है। तुमको मानो उकाब के पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूं, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम मेरी ही निज दर ठहरोगे, समस्त पृथ्वी पे तुम मेरी होगे, और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज और पवित्र जाति ठहरोगे। परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब लोग उनकी दृष्टि में याजकों का राज और पवित्र जाति ठहरे। जो बातें तुम इसराइलियों से कहने हैं वे ये हैं। तो तब मूसा ने आकर लोगों से
पुरनियों को बुलवाकर ये सब बातें जिनके कहने की आज्ञा यहोवा ने उसे दी थी उनको समझा दी हैं। और सब लोग मिलकर बोल उठे, जो कुछ यहोवा ने कहा है वह हम सब नित करेंगे। लोगों की यह बातें मूसा ने यहोवा को सुनाई। यहोवा ने मूसा को बताया कि जाके लोगों को बताओ, लोगों ने जो बताया फिर से मूसा को, मूसा जाकर परमेश्वर को बताते हैं। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं बादल के अंधियारे में होकर तेरे पास आता हूँ, इसलिए कि जब मैं तुझसे बातें करूँ तब वे लोग सुने और सदा तेरी प्रतीति करें। और मूसा ने यहोवा से लोगों की बातों का वर्णन किया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जा और उन्हें आज और कल पवित्र करना, और वे अपने वस्त्र धो लें, और वे तीसरे दिन तक तैयार हो रहे, क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों को देखते सीनै पर्वत पर उतर आएगा। और तो लोगों के लिए चारों ओर बाड़ा बांध देना और उनसे कहना कि तुम सचेत रहो कि पर्वत पर न चढ़े और उसके सिवानों को भी न छूना, और जो कोई पहाड़ को छुएगा वह निश्चय मार डाला जाए, उसको कोई हाथ से तो न छुए, परंतु वह निश्चय पतरवा किया जाएगा, वह तीर से छेदा जाएगा, चाहे पशु हो चाहे मनुष्य, वह जीवित न बचेगा। तो महाशब्द वाले नरसिंह का शब्द देर तक सुनाई दिया। तब लोग पर्वत के पास आए। तब मूसा ने पर्वत पर से उतरकर लोगों के पास आकर उनको पवित्र कराया और उन्होंने अपना वस्त्र धो लिए, और उसने लोगों से कहा, तीसरे दिन तक तैयार हो रहो, श्री के पास ना जाना। जब तीसरा दिन आया तब भोर होते बादल पर गरजने और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंह का शब्द बड़ा भारी सुनाई पड़ा और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट करने के लिए छावनी से निकल ले आया और वे पर्वत के नीचे खड़े हुए, और यहोवा जो आग में होकर सीनै पर्वत पर उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया और उसका धुआं भट्टे का सर उठ रहा था और समस्त पर्वत बहुत कांप उठा था। फिर जब नरसिंह का शब्द बढ़ता और भारी बहुत भारी होता गया तब मूसा बोला और परमेश्वर ने वाणी सुनकर उसको उत्तर दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर के लोगों को चेतावनी दे, कहीं ऐसा ना हो कि वे बाड़ा तोड़ के यहोवा के पास देखने को घुसे और उनमें से बहुत नाश हो जाए, और याजक जो यहोवा के समीप आया करते थे वे भी अपने को पवित्र करें, कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा उन पर टूट पड़े। मूसा ने यहोवा से कहा, वे लोग सीनै पर्वत पर नहीं चढ़ सकते, तूने तो आप हमको यह कहकर चिताया कि पर्वत के चारों बाड़ा बांध कर उसे पवित्र रखो। यहोवा ने उससे कहा, उतर तो जा और हारून समेत ऊपर आ, परंतु याजक और साधारण लोग कहीं याजक के पास बाड़ा तोड़ को न चढ़ाए, कहीं ऐसा ना हो कि वे उन पर टूट पड़े। यही बातें मूसा ने लोगों के पास उतरा कर उन्हें सुनाई दी थी। परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए, ये वही परमेश्वर है जो कल, आज और आने वाला कल एक समान रहता है। लेकिन परमेश्वर को जब नए नियम की कलीसिया ने देखा है, इस परमेश्वर के महत्व को छोड़ दिया है। जितनी सावधानियां, जितना परहेज मनुष्यों को परमेश्वर के सामने जाने से रखना है, नए नियम की कलीसिया इन सबको तोड़कर, इन सारे नियमों को, इन सारे पद्धतियों को तोड़कर जाती हैं। लेकिन एक बात मैं कहकर आज के वचन का ऐसा समाप्त करता हूं, ये वही 24 प्राचीन हैं, उनमें से 12 नए नियम के हैं, यीशु मसीह के चेले हैं, जिन्होंने कभी यीशु मसीह के वाच्य को नहीं तोड़ा है। जितने गंभीर रूप से परमेश्वर को देखना है, जितनी गंभीरता के साथ परमेश्वर की आराधना करना है, उतनी गंभीर रूप से, उतनी गंभीरता के साथ, उतनी पवित्रता के साथ, उतने डर के साथ, भय के साथ, सच्चाई के साथ वे परमेश्वर की आराधना करते हैं। हम सब लोग जो परमेश्वर के सामने जाएंगे, उनके मुंह देखने के लिए हमें डरना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर के वचन सुन रहे प्रियजनों, सभी लोग अपने आप को सिद्ध करें। नए नियम की कलीसिया में महिमा को हम लोग देख नहीं पाते हैं, हम बस भावना में बहक जाते हैं, हम जो मर्जी चाहे कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर को जानना, उनकी महिमा को देखना, उनके तेज में प्रवेश करना, यही सबसे बड़ी और सच्ची आराधना है। परमेश्वर आत्मा में और सच्चाई में आराधना करने वालों से प्रसन्न होते हैं, और परमेश्वर ऐसे सच्चे आराधकों को ढूंढते हैं। खुदावन चाहते कि आप और मैं सच्चे आराधक बने, आत्मा में और सच्चाई में आराधना करें। सर्वशक्तिमान खुदावन, फिर से एक बार दुहाई देते हुए प्रशंसा, महिमा, आदर, सम्मान के साथ जी गौरव परमेश्वर उच्च स्थानों पर आपको मिलती हैं। स्वर्ग में जैसी प्रभाव की महिमा होती है, वैसी महिमा हम धरती के ऊपर परमेश्वर आपके सामने लेकर आए। परमेश्वर आपकी महिमा को जान पाए, आपकी पवित्रता को जान पाए, आपकी धार्मिकता को जान पाए।
प्रभु आप जिसमें प्रभु जी गौरव के साथ प्रभु जी स्वर्ग में महिमान्वित होते हैं, उसे पहचान कर परमेश्वर धरती के ऊपर हम सभी प्रभु आपकी गौरव कर पाए। वचन सुने सारे प्रभु जी प्रियजनों को फिर से एक बार आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं, अपने पुत्र के आगमन में सिद्ध करें, सभी को शामिल करें। अगर ऐसा ना हुआ कल फिर मिलकर आराधना करने का सौभाग्य में देने के लिए दुआ करते हुए प्रार्थना सुनकर दिए उत्तरों के लिए एक और बार धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन आमेन आमेन।